कल्पना करिए, हम किसी दूसरे देश से नहीं हारे हैं। 16 जनवरी 1990 धर्म के आधार पर हिंदू होने के कारण एक रात के अंदर कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को विस्थापित कर दिया गया। एक भी समाचार चैनल नहीं बोला, एक भी राजनीतिक दल नहीं बोला, और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य भी इस विषय में मौन रहे। हमको इसकी चिंतन करने की आवश्यकता है। आजकल एक फिल्म आई है, बड़ी चर्चा का विषय बना है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, द कश्मीर फाइल्स। हिंदुओं की व्यथा को दिखाती हुई ये फिल्म, जिसमें तमाम लोग इस बात के लिए मुकदमेबाजी कर रहे हैं कि इस फिल्म का प्रदर्शन बंद कर दिया जाए, इसको दिखाना बंद कर दें, इसको सिनेमा हॉल से निकलवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर जो बीता, वो फिल्म उसकी एक जीती जागती कहानी है, वो सच्चाई बताती है, और सच्चाई से बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। मनोरंजन का एक थोड़ा सा समय रखिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि विश्व में जितनी सभ्यताएं संस्कृति हैं, सबसे अधिक सामूहिक नरसंहार ये हिंदुओं का हुआ, सबसे अधिक विस्थापन ये हिंदुओं का हुआ है। आदि शंकराचार्य ने जब 4 पीठों की स्थापना करी, इतने परम तपस्वी त्रिकालदर्शी, जैसे उनको ये भान रहा हो कि भविष्य का भारत इतना ही बचेगा हमारा। आप देखें, आज चारों श्रद्धेय शंकराचार्यों की पीठ है, वो देश के 4 कोनों में। अब इसको और न सिकुड़ने दीजिए, बस यही विनती है। इसलिए कि भारत तभी तक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जब तक हिंदू बाहुल। हो सकता है कुछ लोग इसको कहने से कतराते हों, हो सकता है कुछ लोग इसको न कहते हों, लेकिन सच्चाई यही है। जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता है वो इसी कारण है, क्योंकि बाहुल हिंदुओं का। और इतिहास इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए कि हम उससे सबक लें। जो हमारे पुरखों के ऊपर बीता, वो हमारी अगली पीढ़ी न झेले, इसके लिए हम सब लोगों को अपनी तैयारी, अपने पूरे मनोयोग से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा।